ये हो जाएगा अभी तक है टोटल 50 स्लाइड्स बचे 50 बचे हैं 50 मिनट के स्कूल ठीक है। पहला हमारा है चलो हम ट्रांजिशनल प्रोविजन में सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 के आते हैं रिलेटेड टू जॉब वर्क। जॉब वर्क से रिलेटेड प्रोविजन हम लोगों ने किया था जॉब वर्क नाम ठीक है चलो कुछ कुछ याद है जॉब वर्क में आ गए हम लोग। जॉब वर्क को आप इनपुट सप्लाई करोगे ठीक है, आपने इनपुट परचेज किया और उस इनपुट पे आप क्रेडिट ले लेते हो और उस इनपुट को एज सच जॉब वर्कर्स को देते हैं जॉब वर्क के लिए, तो हमें इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा लेकिन जॉब वर्कर्स से कितने टाइम में वापस आ जाना चाहिए, जॉब वर्कर्स से कितने टाइम में वापस आ जाना चाहिए, इनपुट की बात कर रहे हैं पहले इनपुट के एक साल के अंदर आ जाना चाहिए। कैपिटल गुड्स के लिए 3 साल में वापस आ जाना चाहिए ठीक है। ये हम लोगों ने ITC में पढ़ा। अब यहाँ पे आते हैं 141 सबसेक्शन 1 ट्रांजिशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू जॉब वर्क। सपोज एक मैन्युफैक्चरर एक सप्लायर ने जॉब GST से पहले सपोज 1 जुलाई से GST इम्प्लीमेंट हुआ है तो 1 जुलाई से पहले जून में इन्होंने इनपुट सप्लाई किया जॉब वर्कर्स और जॉब वर्कर्स वापस इनको करता है आफ्टर GST यानी अपॉइंटेड डे के बाद वापस करता है तो उन सप्लाई पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ कहता है अगर सप्लाई 6 महीने के अंदर जॉब वर्कर्स 6 महीने के अंदर जॉब वर्क करके वापस कर देता है तो GST नहीं लगेगा ठीक है। यानी आपने जॉब वर्कर्स को सप्लाई किया GST से पहले और GST आने के बाद जॉब वर्कर्स रिटर्न करता है तो GST नहीं लगेगा अगर जॉब वर्कर्स विद इन 6 मंथ्स वापस कर देता है तो ठीक है। यहाँ पे सपोज हमारा 1 जुलाई अपॉइंटेड डे ये अपॉइंटेड डेट है। अपॉइंटेड डे से पहले कभी भी यहाँ पे सपोज सप्लायर ने जॉब वर्कर्स को सप्लाई किया यानी मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर्स को सप्लाई किया रॉ मटेरियल फॉर जॉब वर्क मैन्युफैक्चरर ने इनपुट सप्लाई किया या कैपिटल गुड सप्लाई किया जॉब वर्कर्स को जॉब वर्क के लिए अपॉइंटेड डे से पहले लेकिन जॉब वर्कर्स मैन्युफैक्चरर को वापस कब करता है यानी अब मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर्स को सप्लाई किया है इस पे GST नहीं था GST लगता नहीं था तो इस पे तो GST लगेगा नहीं। अब जॉब वर्कर्स मैन्युफैक्चरर को वापस करता है तब इसके ऊपर GST आ गया है तो क्या हम GST लगा देंगे इसके ऊपर। तो लॉ कहता है 141 सबसेक्शन 1 कि अगर जॉब वर्कर्स मैन्युफैक्चरर को विद इन सिक्स मंथ्स तो इस पे कोई GST नहीं ठीक है लेकिन 6 महीने के बाद अगर ये सप्लाई करता है तब ये डीम्ड सप्लाई होगा फिर GST लग जाएगा और GST कौन पे करेगा जॉब वर्कर्स या मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने तो जॉब वर्कर्स को सप्लाई कर दिया ये हम मान लेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने परचेज किया और जॉब वर्कर्स को सप्लाई कर दिया ठीक है। तो ये हम लोग आते हैं प्रोविजंस पे। क्लियर हुआ पॉइंट ये।
उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है एक्सटेंशन, कहता है कि 6 महीने में कोई मुसीबत आ जाती है तो 6 महीने के पीरियड को 2 महीने से एक्सटेंड कर सकता है कौन? एक्सटेंशन का पावर कमिश्नर को दिया है और वो भी 2 महीने की, जहां देखते हैं वहां 2 महीने की पावर है एक्सटेंशन की, कमिश्नर के पास 2 महीने से एक्सटेंशन दे सकता है इनकेस ऑफ सफिशियंट कॉज। रिकवरी ऑफ ITC व्हेन इनपुट टैक्स इनपुट्स नॉट रिटर्न बैक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, अगर जॉब वर्कर्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वापस नहीं करता तो मैन्युफैक्चरर ने जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था ये इनपुट टैक्स क्रेडिट उनसे रिकवर कर लेगा, यानी मैन्युफैक्चरर ने इनपुट खरीद के इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कर लिया फिर जॉब वर्कर्स को सप्लाई कर दिया और जॉब वर्कर 6 महीने के अंदर वापस नहीं करता तो मैन्युफैक्चरर ने जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ये उनसे रिकवर कर। तो वही डीम सप्लाई, तो मतलब आपने वैल्यू एडिशन किया नहीं तो जितने का खरीदा था उतने की डीम सप्लाई मानेंगे तो उतने की डीम सप्लाई होगी तो आप वही जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो रिवर्स कर। नो टैक्स पेबल इफ सेमी फिनिश गुड्स रिटर्न विद इन 6 महीने, वही सेम चीज है, वहाँ इनपुट एज सच आपने भेजा था, यहाँ इनपुट से सेमी फिनिश गुड्स बना के आप आगे जॉब वर्कर्स को सप्लाई करते हो तो यहाँ भी सेम प्रोविजन है, अगर 6 महीने के अंदर वापस कर देता है जॉब वर्कर्स तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 6 महीने में नहीं कर पाता, आपके पास सफिशियंट कॉज है तो कमिश्नर से 2 महीने का एक्सटेंशन मांग सकते हो और अगर 6 महीने के बाद वापस नहीं आता तो जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया था उतनी क्रेडिट आपसे वापस ले लेंगे। रिकवरी ऑफ ITC व्हेन नॉट रिटर्न बैक विद इन 6 महीने, ठीक है। मैन्युफैक्चरर में ट्रांसफर फॉर सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और एक और हम लोगों ने पुराने लॉ में ये प्रोविजन था कि मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर्स को सप्लाई कर दिया और जॉब वर्कर्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम वापस करेगा, लेकिन वापस नहीं करके जॉब वर्कर्स ने इसको या तो एक्सपोर्ट कर दिया या ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई कर दिया तो फिर मैन्युफैक्चरर मे ट्रांसफर द सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस यानी कहने का मतलब टैक्स तो मैन्युफैक्चरर को देना है, मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर्स के प्रीमाइसेस से ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई कर दे या एक्सपोर्ट कर दे विद इन 6 मंथ्स, तो यहाँ 3 ऑप्शन होंगे विद इन 6 मंथ्स, या तो जॉब वर्कर्स जॉब फाइनल गुड्स बना के वापस कर दे या जॉब वर्कर्स विद इन 6 मंथ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट सप्लाई कर दे या एक्सपोर्ट कर दे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में टैक्स, वहां पे आपने फाइनल गुड्स बना के सप्लाई कर दी तो नॉर्मल सप्लाई होगी आप सब टैक्स पे कर दो, या फाइनल गुड्स बना के आप मैन्युफैक्चरर को रिटर्न कर दो विद इन 6 मंथ्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और या एक्सपोर्ट कर दो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। 3 ऑप्शन है। नो टैक्स पेबल इफ रिमूव गुड्स फॉर टेस्टिंग एंड रिटर्न विद इन 6, यहाँ पे वही सेम प्रोविजन है, इनपुट को सप्लाई किया 6 महीने के अंदर जॉब वर्कर्स वापस कर देता है, इनपुट्स के बाद सेमी फिनिश गुड्स जॉब वर्कर्स को दिया जॉब वर्क के लिए और 6 महीने के अंदर वापस कर देता है कोई टैक्स नहीं। अब एक फिनिश गुड्स बन गया है, फिनिश गुड्स को टेस्टिंग के लिए बाहर ले जाते हैं, अब कई सारे फिनिश गुड्स है जो फैक्ट्री में ही टेस्ट नहीं कर सकते, फैक्ट्री से बाहर ही आपको टेस्ट करना पड़ेगा। सपोज हम एक्सप्लोसिव बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट एक्सप्लोसिव है तो क्या ब्लास्ट फैक्ट्री के अंदर करवा के देखेंगे कि सही ब्लास्ट हो रहा है? फैक्ट्री से बाहर ले जाना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्लोसिव माइंस में जनरली एक्सप्लोसिव यूज होता है। अब रॉक है, रॉक को ब्रेक करना है कैसे करेंगे, तो उसके बीच में एक्सप्लोसिव फिट करते हैं फिर उसको ब्लास्ट करके उसको तोड़ते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट एक्सप्लोसिव है तो उसका टेस्टिंग तो बाहर ही होगी, आप टेस्टिंग के लिए बाहर ले जाओगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा,
लेकिन हाँ टेस्टिंग के बाद वापस आ जाना चाहिए प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट सही है। सपोज आपने 10 यूनिट ले गए यूज कर बाहर टेस्टिंग के लिए, एक यूनिट से टेस्ट किया तो बाकी बचे यूनिट फैक्ट्री में वापस आ जाना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, वही सेम प्रोविजन है। और 6 महीने में वापस यहाँ एक्सटेंशन के लिए कमिश्नर के पास जाओगे, कितना एक्सटेंशन मिलेगा? 2 महीने का इन केस ऑफ सफिशियंट कॉज। और उसके बाद अगर 6 महीने में वापस नहीं आता, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया था वो आपसे वापस ले लेंगे, रिकवरी ऑफ ITC वही सेम है। तो इनपुट सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स फॉर टेस्टिंग, तीनों प्रोविजन सेम है। यहाँ 3 अलग अलग, यहाँ पे इनपुट सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स 3 पार्ट में बांट दिया है। मैन्युफैक्चरर में ट्रांसफर फॉर सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ सेम है कि जब हमारा फिनिश गुड्स बन गया तो हम सप्लाई कर सकते हैं जॉब वर्कर्स के प्रीमाइस से टैक्स पे करके या बिना टैक्स पेमेंट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो टैक्स पेबल इफ डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स लाइंग इन द स्टॉक ऑफ जॉब वर्कर्स, यानी जॉब वर्कर्स के स्टॉक में गुड्स है, यानी सपोज मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर्स को सप्लाई किया है बिफोर अपॉइंटेड डेट, ये कौन बताएगा, जॉब वर्कर्स या मैन्युफैक्चरर या दोनों? तो यहाँ दिया है डिक्लेरेशन बाय बोथ, मैन्युफैक्चरर भी बताएगा कि हमने इतने यूनिट जॉब वर्कर्स को इस रेट में सप्लाई किया, और जॉब वर्कर्स भी बताएगा कि इन मैन्युफैक्चरर से हमने इतने यूनिट जॉब वर्क के लिए रिसीव किया। यानी दोनों को डिक्लेरेशन देना है, दोनों डिक्लेरेशन देता है तभी टैक्स नहीं लगेगा, अगर डिक्लेरेशन नहीं देता तब टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन पे आ गए। ठीक है, बिल्कुल लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए, 142 सबसेक्शन 1, रिफंड टू रजिस्टर्ड पर्सन इफ गुड्स रिटर्न्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, सपोज जीएसटी से पहले आपने सप्लाई किया, ठीक है, आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया, कंज्यूमर को किया। सपोज आपने कोई गुड्स खरीदा जीएसटी से पहले, 1 जुलाई को जीएसटी आ गया, 1 जुलाई के बाद आपको पता चला ये गुड्स तो हमारे किसी काम का ही नहीं, तो क्या करोगे, वापस करने जाओगे? दुकानदार तो कहेगा आपने तो पहले पुराने जमाने में ले लिया था, अब तो जीएसटी आ गया, अब क्या करें? तो वहां पे कह रहा है कि आपने जो टैक्स पे किया, आपने रिटर्न कर दिया गुड्स, उन गुड्स पे जितना टैक्स उसने जमा किया होगा वो टोटल उनको रिफंड मिल जाएगा, टोटल रिफंड मिल जाएगा कि जितने भी रिटर्न आ जाएंगे गुड्स आपसे तो उनपे जितना टैक्स जमा किया था वो टैक्स रिफंड। तो ये हमारा है 142 सबसेक्शन। ठीक है, रिफंड टू रजिस्टर्ड पर्सन इफ गुड्स रिटर्न बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इन 6 मंथ्स। यहाँ टाइम फिक्स कर दिया है कि आप रिटर्न, ऐसा नहीं 2 साल के बाद आप आओगे, 6 महीने के अंदर ही रिटर्न करना। ठीक है सर, ये रजिस्टर्ड पर्सन से मिलेगा? कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन ही तो रिफंड लेगा, आप वापस करोगे पैसे लोगे कि नहीं लोगे बताओ? रजिस्टर्ड पर्सन तो आपको टोटल पैसे वापस कर देंगे, 100 रूपये और जीएसटी 18 रूपये, 118 में आपने खरीदा सामान वापस करोगे तो 100 रूपये ही वापस मांगोगे या 118, बताओ? ये आपकी मर्जी है। क्या वहाँ पे, यहाँ पे क्रेडिट तो लिया ही नहीं, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसने तो क्रेडिट लिया नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद डीम्ड सप्लाई इफ रिटर्न बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, डीम्ड सप्लाई इफ रिटर्न बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन, अब सपोज आपने, सपोज जीएसटी से पहले आपने परचेज की और जीएसटी के बाद आप वापस करने जाओगे और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और ये डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तब तो आपको टोटल पैसे रजिस्टर्ड पर्सन ने वापस कर दिया, इन्होंने अपना डिपार्टमेंट से रिफंड ले लिया, लेकिन आप रजिस्टर्ड पर्सन हो
यानी सप्लायर ने आपको सप्लाई किया बिफोर जीएसटी और आप वापस कर रहे हो आफ्टर जीएसटी, तो उस केस में क्या होगा? आपके लिए डीम सप्लाई होगा अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। 142(2) सप्लीमेंट्री इनवॉइस और डेबिट नोट इफ प्राइस रिवाइज अपवर्ड विद इन 30 डेज। कई बार प्राइस अपवर्ड रिवाइज हो जाता है, यानी जीएसटी से पहले हमारा कुछ प्राइस था, ठीक है, आपने सप्लाई की जीएसटी से पहले और बीच में जीएसटी आ गया, और जीएसटी आने के बाद सपोज पहले आपने सप्लाई किया था उस टाइम वैट था और वैट 12.5% था, तो 12.5% वैट पे आपने सप्लाई किया, लेकिन उन्होंने पेमेंट किया नहीं तो आपने वैट जमा किया नहीं, और पेमेंट कब कर रहा है तब जीएसटी आ गया, तो अब आप क्या मांगोगे, वैट मांगोगे या जीएसटी मांगोगे? तो जीएसटी मांगोगे, आपने तो इनवॉइस दिया था 100 रूपये प्लस 12.5 रूपये वैट का और जीएसटी 18% हो गया, तो अब आप क्या करोगे? एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस रेज करेंगे डिफरेंस अमाउंट का, यानी 12.5% माइनस 18 माइनस 12.5 इतने वैल्यू का एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस रेज कर, यानी अपवर्ड रिवीजन हो गया। अगर जीएसटी कम हो जाता, जीएसटी 5% है, तब क्या करते? डाउनवर्ड रिवीजन होगा, तब क्रेडिट नोट रेस कर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका पहले हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट आपका पहले हो गया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप सप्लाई कर रहे हो और अपवर्ड रिवाइज करते हो प्राइस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी आने से पहले का है, अब जीएसटी आ गया तो क्या उसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करोगे? उसको रिवाइज तो करोगे, तो अपवर्ड रिवीजन होगा, तो उसके लिए आप एक क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेस करोगे, सप्लीमेंट्री इनवॉइस रेस करोगे, दोनों में से दोनों एक ही चीज है, चाहे सप्लीमेंट्री इनवॉइस रेस कर लो या डेबिट नोट रेस कर लो। क्रेडिट नोट इफ प्राइस रिवाइज डाउनवर्ड, अगर प्राइस नीचे जाता है तो आप विद इन 30 डेज एक क्रेडिट नोट रेज करना है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, अब क्रेडिट नोट के बेसिस पे क्या करना है? सपोज एक रजिस्टर्ड पर्सन ने क्रेडिट नोट रेज किया है दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आप जिन्होंने इश्यू किया है वो अपना टैक्स लायबिलिटी कम करेगा और जिनको इश्यू किया है क्रेडिट नोट ये अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कम करेगा, ठीक है। ये हम लोगों को पहले से पता है कि क्रेडिट नोट आप रेज करोगे तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर लो और रिसिपिएंट अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कम कर लो। रिफंड क्लेम ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा पेड इन एग्जिस्टिंग लॉ डिस्पोज ऑफ बाय एग्जिस्टिंग लॉ। आप बताओ यहाँ पे आप एक्साइज ड्यूटी का रिफंड मांगोगे सीजीएसटी एक्ट में तो मिलेगा? एक्साइज ड्यूटी की रिफंड आपको चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? सेंट्रल एक्साइज एक्ट में। तो वही कहता है कि रिफंड और क्लेम ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा पेड इन एग्जिस्टिंग लॉ डिस्पोज ऑफ बाय एग्जिस्टिंग लॉ, यानी जो भी रिफंड क्लेम, सर्विस टैक्स का रिफंड क्लेम आप यहाँ जीएसटी में मांगोगे तो मिलेगा, सर्विस टैक्स की रिफंड चाहिए तो सर्विस टैक्स लॉज में जाओ, एक्साइज रिफंड चाहिए तो एक्साइज लॉज में जाओ, कस्टम्स रिफंड चाहिए तो कस्टम्स लॉज में। रिफंड ऑफ सेटलमेंट क्रेडिट शैल बी लैप्स इफ रिजेक्टेड। आपने रिफंड एग्जिस्टिंग आपने रिफंड यहाँ पे रिफंड ऑफ सेटलमेंट क्रेडिट शैल बी लैप्स इफ रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट हो गया आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटलमेंट क्रेडिट भी लैप्स हो जाएगा। नो रिफंड इफ सैंडविट क्रेडिट हैज बीन कैरी फॉरवर्ड, आपने सैंडविट क्रेडिट को जीएसटी में कैरी फॉरवर्ड भी करवा लिया और फिर आप कहते हो हमें रिफंड भी दे दो, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, या तो आप रिफंड ले लो या कैरी फॉरवर्ड करो। उसके बाद है नेक्स्ट, रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एग्जिस्टिंग लॉ फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय एग्जिस्टिंग लॉ, यानी आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है एग्जिस्टिंग लॉ में और रिफंड सपोज
एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारा टैक्स फ्री होता है, एक्सपोर्ट में कोई टैक्स नहीं लगता। आपने इनपुट परचेज किया है, इनपुट तब परचेज किया जब जीएसटी नहीं था। इनपुट आपने परचेज किया उस पर एक्साइज ड्यूटी भी दे दी और आपने वैट भी पे कर दिया। अब जीएसटी आ गया और जीएसटी आने के बाद आपने फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, फाइनल गुड्स हमारा एक्सपोर्ट हो गया। अब आप कहते हो फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट हुआ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इनपुट पे जो टैक्स पे किया था ये रिफंड मांगोगे। इनपुट पे आपने पे किया था एक्साइज ड्यूटी और वैट, एक्साइज ड्यूटी और वैट का रिफंड लोगे तो रिफंड कहाँ मिलेगा, जीएसटी एक्ट में या वैट और एक्साइज एक्ट में? यही कहता है ये कि एग्जिस्टिंग लॉ में जाके रिफंड मिलेगा, आप एक्सपोर्ट चाहे जीएसटी आने के बाद में। क्या क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? रिफंड तो आप एक्साइज ड्यूटी की रिफंड हमें लेना है तो जीएसटी एक्ट वाले तो देगा नहीं हमें, उसका उसमें जो भी डिस्प्यूट है कहाँ रिजोल्व होगा, उसी एक्ट से तो रिजोल्व होगा, तो रिफंड आपको उसी एक्ट में जाके लेना। क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ सर्वेंट क्रेडिट शैल बी लैप्स इफ रिजेक्टेड, ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गया तो इनपुट क्रेडिट भी आपका लैप्स हो जाएगा। नो रिफंड ऑफ सर्वेंट क्रेडिट इफ बैलेंस ऑफ सेड टैक्स कैरी फॉरवर्ड, जितना कैरी फॉरवर्ड करोगे उतना लैप्स हो जाएगा, उसका रिफंड नहीं मिलेगा, जितना कैरी फॉरवर्ड कर लिया है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड क्लेम फाइल्ड आफ्टर अपॉइंटेड डेट फॉर सर्विस नॉट प्रोवाइडेड शैल बी डिस्पर्स। अब सर्विस टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स में आपने पहले क्या एडवांस ले लिया बिफोर जीएसटी, सर्विस प्रोविजन के लिए आपने बिफोर जीएसटी एडवांस ले लिया, उस पर सर्विस टैक्स जमा करवा दिया। अब जीएसटी आने के बाद आप सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करते, पहले सर्विस टैक्स पे कर दिया, सपोज किसी ने आपको एडवांस दिया कि ये आप हमें सर्विस प्रोवाइड करो, आपने एडवांस ले लिया, एडवांस पेमेंट पे सर्विस टैक्स जमा करवा दिया और बाद में आप कहते हो कि हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप पैसे वापस करोगे, आपने पैसे वापस कर दिया टोटल, लेकिन सर्विस टैक्स का अमाउंट तो आपने सर्विस टैक्स जमा करवा दिया था, तो रिफंड मांगोगे कि नहीं मांगोगे? रिफंड मांगोगे तो रिफंड मिलेगा किस प्रोविजन में मिलेगा, ओल्ड में या न्यू में? ओल्ड प्रोविजन में, वही कहता है जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी में आपको रिफंड मिलेगा। प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड एट एनी टाइम अंडर एग्जिस्टिंग लॉ शैल बी डिस्पोज ऑफ इन एग्जिस्टिंग लॉ एंड रिफंड ऑफ सर्वेंट क्रेडिट इफ एडमिसिबल इन एग्जिस्टिंग लॉ, वही सेम चीज है यहाँ पे, कोई भी प्रोसीडिंग्स आपका एग्जिस्टिंग लॉ में सर्वेंट क्रेडिट से रिलेटेड शुरू हो गया है तो डिस्पोज ऑफ होगा एग्जिस्टिंग लॉ में, ठीक है? नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग मतलब पुराने उस टाइम अपॉइंटेड डे पे जो लॉ, अपॉइंटेड डे से पहले जो भी लॉ एग्जिस्टिंग लॉ, ओल्ड लॉ आप समझ लो, एग्जिस्टिंग की जगह ओल्ड लॉ। नो रिफंड ऑफ सर्वेंट क्रेडिट इफ बैलेंस ऑफ सेड अमाउंट कैरी फॉरवर्ड, सर्वेंट क्रेडिट का जितना अमाउंट आप कैरी फॉरवर्ड करोगे जीएसटी में उतने का रिफंड नहीं मिलेगा। प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड, यहाँ पे अपील आ गया, अपील रिव्यू और रेफरेंस, ये कोई भी प्रोसीडिंग्स हमारा पुरानी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो जीएसटी आने के बाद ये प्रोसीडिंग्स रुक जाएगी या चलती रहेगी, तो और डिस्पोज ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ में होगी जीएसटी में नहीं होगी, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉ में डिसीजन आ गया और डिसीजन में टैक्स रिकवरी बन रही है तो रिकवरी इस लॉ में होगी, रिकवरी इस लॉ में होगी, लेकिन प्रोसीडिंग्स अपील प्रोसीडिंग्स टोटल अपील प्रोसीडिंग्स एग्जिस्टिंग लॉ में, और एग्जिस्टिंग लॉ में डिमांड हो गया तो रिकवरी इस लॉ में होगी, रिकवरी के लिए ये एप्लीकेबल है और आईटीसी भी नहीं मिलेगा, जब रिकवरी आपसे बन जाएगी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और लैप्स हो जाएगा।
proposed proceedings initiated at any time under existing law shall be disposed of in existing law. यहाँ पे output tax liability है, वहाँ पे दोनों सेम चीज है, यहाँ पे इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम है. ये अपील, ये केस अपील रिवीजन के लिए है और अपील रिलेटेड टू सेलवेट क्रेडिट, और ये हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए है, अपील रिव्यू रेफरेंस रिलेटेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. दोनों सेम चीज है, एक ही चीज का फर्क है. इससे पहले प्रोविजन में सेलवेट क्रेडिट है, सेलवेट क्रेडिट से रिलेटेड अपील है, और ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड अपील है. तो यहाँ भी कोई भी प्रोसीडिंग्स कभी भी इनिशिएट हो एग्जिस्टिंग लॉ में, तो वो डिस्पोजल भी एग्जिस्टिंग लॉ में ही होगा, रिकवरी इस एक्ट में होगा, और रिकवरी बनेगी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं. आप कभी भी रिकवरी अमाउंट से आप कहोगे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दो, तो क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा. रिकवरी से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं. प्रोसीडिंग इनिशिएटेड एट एनी टाइम अंडर एग्जिस्टिंग लॉ शैल बी, ये भी वही है, एग्जिस्टिंग लॉ डिस्पोज ऑफ इन एग्जिस्टिंग लॉ. ठीक है, तो कोई भी प्रोसीडिंग्स पहले ही शेट हो गया है एग्जिस्टिंग लॉ में, तो डिस्पोजल भी एग्जिस्टिंग लॉ में ही होगी उसके. और यहाँ पे रिफंड है, वहां पे रिकवरी था, ये रिफंड है. हमारा रिफंड इस एक्ट में बन रहा है एग्जिस्टिंग लॉ में, तो डिस्पोजल भी एग्जिस्टिंग लॉ से होगा, रिफंड भी आपको एग्जिस्टिंग लॉ में मिलेंगे, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं. और फिर यहाँ पे असेसमेंट एजुडिकेशन, असेसमेंट और एजुडिकेशन, ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कभी भी हुआ हो, डिस्पोजल आफ्टर जीएसटी हो रहा है, तो डिस्पोजल एग्जिस्टिंग लॉ में ही होगा, सीजीएसटी एक्ट में नहीं होगा. रिकवरी होगी तो रिकवरी इस एक्ट में होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, वही सेम चीज है, रिपीटेशन है. असेसमेंट और एजुकेशन रिफंड के लिए अलग है, ये रिफंड के लिए है, और इससे पहले रिकवरी के लिए है. अब ये देखो यहाँ पे, ये रिकवरी के लिए है और ये रिफंड के लिए, बस इतना ही फर्क है रिफंड के लिए, बस रिकवरी और रिफंड के लिए. और रिटर्न फर्नेस इन एग्जिस्टिंग लॉ इज रिवाइज आफ्टर अपॉइंटेड डे रिकवरी अंडर दिस एक्ट. ठीक है, रिटर्न आपने पहले फर्नेस की एग्जिस्टिंग लॉ में, और जीएसटी आने के बाद उस रिटर्न को रिवाइज कर दिया, यानी आपने एक्साइज लॉ में रिटर्न भरा, जीएसटी आने के बाद आपको पता चला इस रिटर्न में ये मिस्टेक हुआ, तो रिटर्न को रिवाइज किया आफ्टर जीएसटी. तो अगर ये सिचुएशन बनता है यहाँ पे अपॉइंटेड डे के बाद आप रिवाइज किया है, तो इससे रिलेटेड जो रिकवरी बनेगी, रिकवरी का रिकवरी होगी इस एक्ट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, बाकी उस रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजन एग्जिस्टिंग लॉ से रिसॉल्व. रिटर्न फर्नेस इन एग्जिस्टिंग लॉ इज रिवाइज आफ्टर अपॉइंटेड डे रिफंड अंडर, वही रिकवरी और रिफंड दो चीज है, रिकवरी ये रिफंड है, वो रिकवरी किसमें रिफंड नहीं में रिकवरी प्रोसीडिंग्स न्यू वाली चलेगी, यानी सीजीएसटी एक्ट की रिकवरी प्रोसीडिंग चलेगी, रिकवरी के लिए पुराने लॉ नहीं है, लेकिन केस रिजॉल्व होगा उसी लॉ में. टैक्स पेबल इफ कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर एंड सप्लाइड आफ्टर अपॉइंटेड डे, यानी सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मई में और कॉन्ट्रैक्ट के बाद सप्लाई किया जुलाई में, तो आप कहोगे जुलाई में हम जीएसटी नहीं पे करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा मई का है. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने कभी किया हो हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन सप्लाई आफ्टर 1 जुलाई है तो जीएसटी देना पड़ेगा. ठीक है, 142(10). नो टैक्स पेबल ऑन गुड्स अंडर दिस एक्ट टू द एक्सटेंट टैक्स लेबेबल अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, जितना टैक्स एग्जिस्टिंग लॉ में लग गया
उतने सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये कहते हैं दोनों ही, जीएसटी भी आप लगा दो वैट भी लगा दो, ये पॉसिबल नहीं है। जितनी सप्लाई 1 जुलाई से पहले हो गई उस पे वैट लगा दो, 1 जुलाई के बाद जो सप्लाई होगी उस पे जीएसटी लगा दो। नो टैक्स पेबल ऑन सर्विसेज अंडर दिस एक्ट टू द एक्सटेंट टैक्स लेबेबल अंडर एक्सिस्टिंग। जितने एग्जिस्टिंग लॉ, जिस सप्लाई पे एग्जिस्टिंग लॉ में आपने टैक्स लगाया है उतने सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। वो सर्विस पे, हाँ बिल्कुल, ये सर्विस पे। टैक्स पेड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ एंड लेवेबल अंडर दिस एक्ट बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाईज आफ्टर अपॉइंटेड डेट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, टैक्स पेड अंडर दिस, अंडर एग्जिस्टिंग लॉ एंड लेवेबल अंडर, यानी पे आपने पुराने लॉ में कर दी लेकिन टैक्स लेवी बाद में, यानी टैक्स पे आपने एग्जिस्टिंग लॉ में किया है लेकिन टैक्स लेवेबल बाद में, एडवांस पेमेंट, बिल्कुल। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, आपने एडवांस लिया टैक्स जमा करवा दिया, लेकिन ये इवेंट पे टैक्स लेवी कब होगी, जब एक्चुअल में सप्लाई होगा। सप्लाई कब हुआ, अपॉइंटेड डे के बाद। तो सप्लाई बाद में हुई तो टैक्स लेवी तो बाद में होगी, लेकिन टैक्स आपने पहले ही जमा करवा दिया। ये केस कहता है इंटाइटल टू टेक क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाईज आफ्टर अपॉइंटेड डे, यानी उन सप्लाई के ऊपर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। गुड सेंट ऑन अप्रूवल, यानी कई बार गुड्स को अप्रूवल के लिए भेज देते हैं कि पहले सैंपल ले जाओ, सैंपल आप यूज करके देखो, अच्छा लगे तो आप हमें ऑर्डर दो। यानी आपने सैंपल के लिए गुड्स भेजा, तो सैंपल के लिए भेजा है तो यूज के बाद हमें सैंपल वापस आ जाना चाहिए। यानी आप कोई चीज भेजते हो सैंपल यूज के लिए, हाँ अप्रूवल के लिए आपको गुड्स भेजते हैं, और अप्रूवल सैंपल आपने भेजा और 6 महीने के अंदर आपने सप्लाई नहीं किया तो सैंपल रिटर्न आ जाना चाहिए आपके पास। अगर रिटर्न नहीं आता 6 मंथ्स के अंदर तो उस डीम्ड सप्लाई होगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 महीने के बाद 2 महीने, हाँ ड्राफ्टिंग की क्लास सैटरडे को होगी, सैटरडे को, ठीक है, और संडे की टाइम दिया था, अब क्लास का नितेश सर की क्लास का होगी फर्स्ट, हाँ तो क्लास को सुबह की क्लास होगी, और ड्राफ्टिंग क्लास है, ठीक है, कल अगर हम की संडे बोला था होगी, तो अभी हम कंफर्म करते हैं, ठीक है, कल तो छोटी होगी, कल होगी, कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, ठीक है। और 6 महीने के पीरियड का एक्सटेंशन आप ले सकते हो, 2 महीने तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा कमिश्नर से। टैक्स पेबल ऑन गुड्स रिटर्न आफ्टर स्पेसिफाइड डेज, अगर वो सैंपल 6 महीने के बाद वापस आता है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, डीम्ड सप्लाई होगा। टैक्स पेबल बाय पर्सन हु सेंट द गुड्स, जिन्होंने गुड्स भेजा था उनको टैक्स पे करना पड़ेगा इफ नॉट रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम। 142.13 टैक्स डिडक्टेड ऑन सेल इन एग्जिस्टिंग लॉ एंड इश्यूड इनवॉइस बिफोर, नो टैक्स डिडक्टेड अंडर दिस एक्ट इफ पेमेंट मेड आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, टैक्स आपने डिडक्ट कर लिया एग्जिस्टिंग लॉ में, इनवॉइस भी दे दिया एग्जिस्टिंग लॉ में, लेकिन वो टैक्स जो डिडक्ट किया था, ठीक है, वो पेमेंट ही नहीं किया आपने, डिपॉजिट ही नहीं किया, ठीक है, नो टैक्स डिडक्टेड अंडर दिस एक्ट इन पेमेंट मेड आफ्टर अपॉइंटमेंट, मतलब कि पुराने प्रोविजन में टैक्स डिडक्ट किया, पुराने प्रोविजन में इनवॉइस रेज किया और पेमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट करते हो यहाँ पे, ठीक है, नो टैक्स डिडक्टेड अंडर दिस एक्ट, तब इस एक्ट में कोई टैक्स नहीं कटेगा, क्योंकि पुराने लॉ में टैक्स डिडक्ट कर लिया, इनवॉइस दे दिया, इस एक्ट में आके आपने जमा किया है तो उस पे टैक्स नहीं कटेगा।
एक ही बार टैक्स कटेगा, या तो पुराने एक्ट में काट लो या नए एक्ट में डिडक्ट करो। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? जो पहले एक्साइज में हुआ, ठीक है, एक्साइज चढ़ाने, तो हम लोग लिखते हैं कि एक्साइज तो हम लिख, ठीक है, आप लिख दो, बस हम लोग ये नहीं लिखेंगे। कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप लिख दो सेम डेफिनेशन मेंशन इन सेंट्रल एक्साइज एक्ट 19, ठीक है। वैट का, सैंडविट का भी वही मीनिंग है, फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकेंड स्टेज डीलर, मैन्युफैक्चर, इन सब का मीनिंग वही है जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट और रूल्स। बस, ठीक है, थैंक यू।